122 वर्ष के हुए बाबा नीम करोरी और फिर उनकी जन्म स्थल से लाया मैं बहुत बड़ा उपहार आपके लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोरी की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में मैं पहुंचा अकबरपुर और अवसर था महाराज जी का जन्मोत्सव, और इस जन्मोत्सव के अवसर पर हमें मिला महाराज जी के आवास में ठहरने का अवसर। और फिर जब ऐसा अवसर मिला तो आपके लिए भी हम लेके आए वहां से बहुत कुछ। सबसे पहला महाराज जी का आशीर्वाद, मैंने आपको लाइव दर्शन भी करवाए वहां से, फिर भंडारा हुआ, फिर भंडारा को आपसे उसी दिन आपसे जोड़ा, और आपको वहां से जो भी कार्यक्रम हुए रामचरितमानस आरती और भी जो हम आपको भेंट कर चुके हैं यानी दिखा चुके हैं। अब जन्मोत्सव के और उपहार जो हम अपनी झोली में समेट कर लाए वो हम आपको भेजने वाले हैं। पहला, महाराज जी के नाती, महाराज जी के एकमात्र नाती हैं डॉक्टर धनंजय शर्मा, उनसे हमने की बातचीत। और क्या क्या जाना, हमने जाना कि वो बाबा, बाबा हम सबके हैं लेकिन बाबा और अपने नाती से कैसे व्यवहार करते थे। आपने जब उनके बाबा के रूप में उन्हें जब पाया तो आपको क्या एहसास रहा कि हम ईश्वर के अंश, ईश्वर अंश सभी हैं लेकिन साक्षात भगवान के अंश हैं, तो महाराज जी के प्रति क्या व्यवहार रहता था आपका? और महाराज जी जब अकबरपुर से आना चाहते थे तो घर में क्या करते थे? जैसे कि इनका मोह भंग हो जाए, ये परेशान हो जाए घर वाले, ये लोग चाहें कि ये चले जाए, कि जितना जल्दी हो ये चले जाए। डॉक्टर धनंजय शर्मा यानी बाबा के नाती से पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की एक अचानक भेंट हुई तो क्या व्यवहार किया राष्ट्रपति ने? राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा का जिक्र आया तो क्या हुआ था जब उन्होंने ये जाना कि आप महाराज जी के नाती हैं? मैं ड्यूटी पे था राजभवन में। क्या श्रद्धा दिखाई या और कुछ हुआ, बताएंगे आज के बाद के जो वीडियो आ रहे हैं। हम आपको वृंदावन से जोड़ेंगे कि महाराज जी का अनंतिम जो यात्रा है वो वृंदावन से है, और उस वृंदावन धाम में आज कौन देख रहा है व्यवस्था, आप वहां जाए तो कैसे रुकेंगे? सबसे पहले दर्शकों की तरफ से पूछना चाहेंगे कि जब वो आते हैं तो रुके कैसे, क्या व्यवस्था है? आप वहां कुछ दान करना चाहते हैं, कुछ अपना पुण्य कमाना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? और बहुत सारी चीजें हैं वृंदावन से, हम आपको बताएं कि वहां भंडारा होता है तो कैसे होता है वहां भंडारा, कब होता है ये भंडारा? वृंदावन आश्रम में चार भंडारे मुख्यतया होते हैं जी। एक तो महाराज जी के निर्वाण दिवस पर, विदेश से भी कुछ लोग आए अकबरपुर में, हमने की उनसे बातचीत। बड़ी दूर दूर से यहाँ पे भक्त आए हुए हैं और भंडारा और लाइव दर्शन भी मैंने करवाए। आज भैया हमको मिले हैं, महाराज जी के भक्त हैं और फ्रांस से आए हुए हैं। बहुत सारे अनुभव लेके मैं आपके बीच आ गया हूँ, तो खोलता हूँ ये पिटारा और कल से जन्मोत्सव के ऐसे बढ़िया कार्यक्रम और ऐसी ऐसी भेंटें लाया हूं जो आपको बहुत ही आनंदित कर देंगी। तो फिर कल मिलते हैं और विशेष भेंट वार्ता की शुरुआत करेंगे कल से। चल पड़े राम राम। प्रणव पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार वसहि राम सर चाप धरे।